Hello everyone, Seema here. How are you today? आज ऐसे आपको ऐसा सुंदर और शाइनिंग सिल्की हेयर चाहिए हेयर स्टाइल करने के लिए, सो आप आज मेरे इस ब्यूटी रेमेडी को फॉलो करिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने लिया है ऑर्गेनिक पिपरमिंट ऑयल, और पिपरमिंट ऑयल से इचिंग या और हेयर फॉलिंग हुए तो आपको हेल्प करेगा। और मैंने कोकोनट ऑर्गेनिक ऑयल लिया है, और मैंने ओनियन जूस लिया है निकाल के। सो मेजरिंग मैंने दिखाती हूँ आपको कि कैसे मेजर करना है। सो मैंने 1/4 कप कोकोनट ऑयल लिया है, और उसको पहले मैं मिक्स करूँगी, और इसे आपको डाल लेना है पहले, और उसके बाद आपको 2 टेबल स्पून ओनियन जूस लेना है और उसको भी इसी में डाल देना है। और थर्ड वन आपको चाहिए 1/4 टी स्पून पिपरमिंट ऑयल। सो आप तीनों को एक में मिक्स करिए। और कोकोनट ऑयल अक्सर कोल्ड वेदर में, ठंडियों के सीजन में थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसे आप थोड़ा हल्का वार्म कर लीजिए, और जब भी लगाए तो मिक्स अच्छे से मिक्स करके वार्म करके ही लगाइए, ताकि आपको अच्छे से इस लगाने में इजी रहे और मिक्सर इसका एक दूसरे में हेल्प हो जाए। कैसे लगाना है देखिए हमारे वीडियो को और फॉलो करिए। मैं हमेशा कोम करके और रूट में लगाती हूँ, स्कल्प में पहले और फिर हेयर में लगाती हूँ। तो मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग का टाइम का सेविंग हो जाए और आपको इजी लगे। सो इसलिए हमारे वीडियो को देख के 1/1 स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया है और आपको दिखाया है। सो आप सेम मेरे वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप लगाइए और फॉलो करिए। मैंने कॉटन से लगाती हूँ हमेशा, कॉटन लेके आप उसमें डिप करके लगाइए ताकि आपको इजी रहे और इजीली लग जाएगा। कोम कर करके लगाइए, कंघी कर करके। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप लगाने से आपको रूट में अच्छे से लग जाता है। उसके बाद आप हेयर को लगाइए। हेयर में लगाने के बाद 5 to 10 मिनट अच्छे से अपने हेयर को मसाज करिए, और मसाज करने के बाद फिर इसे आप ब्रेड बना दीजिए। ब्रेड बनाने के बाद इसे 1 आवर या 2 आवर या 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट रखना है आपको। तो जब भी हेयर वॉश करना है सो आप 30 मिनट पहले या 1 आवर पहले ऐसे हेयर में ऑयलिंग करिए, ऑयल से मसाज करिए, और ये रेमेडी आपको घर पे ही आपके चीज़ों से बन जाएगा। किचन में आपके ये सब चीज़ें रहते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑनियन और पिपरमिंट ऑयल। आपके पास नहीं हो तो मंगा के रख लीजिए, इससे ईचिंग या डेंड्रफ एनीथिंग प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व हो जाएगा। सो आप 30 मिनट पहले या 1 आवर पहले लगाइए, मसाज करिए 5 to 10 मिनट, और इसके बाद इसको रहने दीजिए। उस बाद में आप हेयर वॉश कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका हेयर एकदम सिल्की एंड शाइनिंग कैसे रहेगा, और बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। सो मैंने आपको दिखाया था 20 इंच, मैंने अपना हेयर काट के डोनेट किया अभी चैलेंज में। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप करेंगे तो आपका जब भी चाहें तो अपना हेयर ग्रोथ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और ये बहुत इससे सिल्की एंड शाइनिंग रहता है हेयर। और आपको लगे तो ऊपर से हल्का कॉम कर दीजिए और ऐसे रहने दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी से रिलेटेड आपको बनाना है, पार्लर से रिलेटेड वीडियो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए वॉश करने के बाद ये वीडियो है, सो मेरा हेयर का लुक है वॉश करने के बाद है, ये ऐसा लिक्विड दिखे तो आप लगाएं।